इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म पुष्पा टू द रूल का फाइनल टीजर आ गया है। सबसे पहले विशिंग द मैन हु डज नॉट हैव बोन्स बट द स्प्रिंग इन हिज बॉडी, द फर्स्ट तेलुगु एक्टर टू विन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन 69 इयर्स, दैट टू फॉर कमर्शियल फिल्म। ऐसा एक्टर जिसकी एक फिल्म ने पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया, ऐसा एक्टर जिसका एक डायलॉग झुकूंगा नहीं साला पूरी दुनिया को झुकने नहीं दिया, यहाँ तक तो कई लोग सुहागरात में भी नहीं झुके, बोले कि पेलूंगा नहीं साला। सो हियर्स विशिंग द पैन इंडिया सुपरस्टार अल्लू अर्जुन 1000 crore ब्लॉकबस्टर बर्थडे। तो बिना टाइम खोटी मुंह में गोटी के मैं पुष्पा 2 के टीजर की बात करूं तो इसको टीजर नहीं कहना चाहिए था, इसको कैरेक्टर इंट्रोडक्शन या ग्लिम्स कहना चाहिए था। बट अगर मैं उस हिसाब से ही इसको अगर रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि डेविड वार्नर क्रिकेट को वापस साइड में रख दो और लग जाओ प्रमोशन में, बिकॉज इसको बोलते हैं कैरेक्टर टीजर कट जो कईयों के करियर को करे चल रट। मैं बता रहा हूं ना, पुष्पा 1 को मेकर्स ने हल्के में लिया था एंड ऑडियंस ने सीरियसली ले लिया था, बट पुष्पा 2 को मेकर्स ने इतना सीरियसली ले लिया ताकि ऑडियंस थिएटर में हल्की भी ना हो पाए। अब की बार 1000 crore हंसता खेलता पार। टीजर को देख के ये कन्फर्म हो गया कि जो अल्लू अर्जुन करने जा रहा है वो कई एक्टरों के लिए संकोच होगा, लेकिन जो उसने कर दिया है वो कई बड़े एक्टरों का सोच बदलेगा। दिस इज नॉट जस्ट अ टीजर, This is a thunder. The dedication, the swag, the style of Allu Arjun in such look is such a fire. भाई साहब मैं बता रहा हूँ ना, इस बार seriousness Allu Arjun and Sukumar का इतना perfect नजर आ रहा है कि ये लोग new definition दे देंगे commercial cinema का। And imagine करो ये scene जब theater में आएगा ना, मैं लिख के देता हूँ DSP का BGM घंटा किसी को सुनाई नहीं देगा क्योंकि लोग इतना शोर करेंगे। सच बता रहा हूँ, फिल्म ऐसी बनाओ कि रील बनाने वाले भी धंधे पे लग जाए एंड फिल्म ऐसी बनाओ कि चार लोग का रिव्यू भी खड्डे में चला जाए जैसे कि मेरा। पिछले साल शाहरुख, रणबीर, सनी सबने अपना जलवा दिखाया, इतिहास बनाया था। इस साल कोई भी आने दो, अल्लू अर्जुन इतिहास का पन्ना फाड़ देगा, जला देगा, उसका ये अवतार चड्डी उतार देगा कईयों का। भाई कोई झुके या ना झुके, इस स्टारडम के सामने तो मैं खुद झुक गया हूं। इनफैक्ट मैं इतना समझ गया हूं इतने टाइम में कि अल्लू अर्जुन इज नॉट जस्ट अ नेम, नॉट जस्ट एन एक्टर, ही इज अ परफेक्ट मास सेलिब्रेशन। बाकी साला कहां पार्ट 1 कहां पार्ट 2 यार, अल्लू अर्जुन के चंदन की तस्करी का स्टार्टअप इतना बड़ा हो गया है कि देखो कहां से कहां पहुंच गया, और हम साला यहां डिग्री लेके रील में करियर ढूंढ रहे। अब देखो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके एक और टीजर आएगा जो फिल्म के बाकी के एंड उनके कांड से वाकिफ कराएगा। अब इस टीजर को लेके मैं एक नेगेटिव पॉइंट रखना चाहूंगा कि अल्लू अर्जुन का ये लुक, ये जो ग्लिम्स है, ये बहुत ज्यादा वायरल और तबाही मचाता था। अगर मेकर्स ने इसी लुक का पहले पोस्टर डाला नहीं होता था या कहीं पे भी कुछ भी रिवील नहीं किया होता तो भाई साहब आज इंटरनेट खत्म हो गया होता। सो ओवरऑल पुष्पा 2 के टीजर को लेके मैं इतना ही कहूंगा कि KGF पार्ट 1 जब हिंदी में आई थी तो 42 crore कमाई थी एंड पार्ट 2 435 crore कमाई थी, तो पुष्पा पार्ट 1 ने तो 100 crore कमाई थी, मतलब अल्लू अर्जुन केम टू एंड द रिकॉर्ड। भाई साहब इधर तक शाहरुख का रिकॉर्ड खतरे में हो जाएगा, मैं लिख के देता हूं। So, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज थोड़ा सा झुक जाइए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं और तबाही वीडियो इसके रिलेटेड लाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। ए काली बिल्ली, ये बच्चा किसका है? ये हमारा ही बच्चा है जो शूटिंग के बीच में हुआ था। ये चुप कैसे होगा? गोद में ले लो, चुप हो जाएगा। पुष्पा चुकेगा ना इस साला।